हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके साथ बहुत ही इजी और बहुत ही यूनिक रेसिपी। वैसे आपको देख के पता तो लग गया होगा कि आज हम क्या बना रहे हैं, ये आपने जरूर ट्राई की होगी। तो आज हम बना रहे हैं पोहा, तो वो भी मेरे स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने नमक, राई, जीरा, हल्दी, थोड़ी सी मूंगफली और पोहा। यहाँ पे मूंगफली को हम थोड़ा सा भून लेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से, जिसमें कि कच्चापन ना रहे इसमें। तो हम इनको अच्छे से एक बार भून लेंगे। मैंने यहाँ पे इनको ना ही ऑयल में फ्राई किया है, ना ही घी में फ्राई किया है, सिंपल कढ़ाई में इनको अच्छे से भून लिया है। आप इनको बिना ऑयल या घी के फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिना ऑयल घी के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। और इसको क्लीन करने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। यहाँ पे हमने सरसों का तेल डाल दिया है और इसको हम गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, राई और हमारा जो कड़ी पत्ता है हम वो इसमें ऐड कर देंगे। और इनको थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी ग्रीन चिल्ली और इन सभी को अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर देंगे। इनको अच्छे से आपको फ्राई करना है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, जिनको आपको ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। आपको ऐसे बड़े प्यारा सा इसमें ब्राउन रंग लाना है। तो यहाँ पे हम इसको चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें कलर चेंज ना हो जाए। आपको इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा एकदम मतलब तैयार हो चुका है। आपको सेम ऐसे ही ऑनियन को ब्राउन रखना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। उसके बाद इसमें हम डालें अपने जो हमने मूंगफलियाँ फ्राई की थी, भूनी थी, वही इसमें ऐड मैंने कर दी है और इनको सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इनको आप प्रॉपर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच चीनी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने शुगर का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ 5 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये अच्छे से पक चुका है और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ पोहा, जिसको मैंने पहले ही एकदम तैयार करके रख दिया था। इसको आपको अच्छे से धो करके, क्योंकि इसमें ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है, तो आप इसको अच्छे से वॉश करने के बाद इसको थोड़ी देर ऐसे ही रख देंगे तो ये अपने आप ही फूल जाता है और अच्छा हो जाता है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक थोड़ा सा, और क्योंकि नमक मुझे थोड़ा कम लगा था मैंने इसमें थोड़ा नमक और ऐड किया है, क्योंकि मेरे घर पे बस हम दो ही हैं, मेरी सासू और मैं, तो इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में बनाया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, पोटैटो भी ऐड कर सकते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। इसको फिर हमने 5 मिनट के लिए ढक करके रख दिया है, अभी ये एकदम बन करके रेडी है। ये कितना अच्छा लग रहा है ना। और इसको आपको फिर एक बार और अच्छे से चला देना है और ये एकदम बन करके हमारा पोहा रेडी है। तो सो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो प्लीज लाइक शेयर कम जरूर कर देना आप वीडियो को,
देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।